अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर ने और अभी मौजूद है 660 सीसी साबुनदानी के बीच। महासा जहाँ पे माय फ्रेंड मियां नुमान उस मोड़ा जी मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पे हमारी सजी साइड के ऊपर बाबू बड़े सुपुत्ती मौजूद है। 660 सीसी साबुनदानी के बीच पेट्रोल डलवाने लगे हैं क्योंकि पेट्रोल निश्ता। मैं तो बाबू बट 132 को कहा कि भाई पेट्रोल को नहीं डलवाते, रस्ते में गाड़ी बंद हुई तो यहाँ पे मोड़ा जी से धक्का लगवाएंगे, इनका थोड़ा बहुत वजन भी कम होगा। फ्रेश 6000 रुपए के अंदर यहाँ पे हमारी साबुनदानी की टैंकी फुल हो गई है। 22 लीटर पेट्रोल हमने साबुदानी के बिछड़ किया। टाइम के ऊपर आया तो सुबह के 4:26 हो रहे हैं और यहाँ से हम इस्लामाबाद की तरफ प्रवास कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद हम कौन सा लेने जा रहे हैं तो ये आपको बाबू बट 132 अपनी जबानी खुद बताएंगे। यार जैसे कि आपको ये पता हमारे पास ना पहले होंडा डेल्सो ला के 820 टाइप वाली तो फ्रंट व्हील गेम तो ओके है, तो अब रियर व्हील वाली साइड पे आ रहे थे तो हमने रियांशा भाई के साथ देखी थी लाहौर में गाड़ी है, तो लेकिन वो प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए गाड़ी काम जनाजा ज्यादा था तो इसलिए लाहौर में तो ये मिली नहीं हमें कोई गाड़ी, तो अब इंशाल्लाह इस्लामाबाद जा रहे हैं तो देखते हैं आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी देखने जा रहे हैं और कौन सी पसंद आई है। अब क्या हम आपसी पे अपने साथ कोई गाड़ी लेके आते हैं कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड और ट्रक वाले भाई बीच बढ़ना जे। ये हम मोटरवे चढ़ चुके हैं बाबू बट 132, थोड़े से नेक वाइब्स हो जाए। ये अभी दुआ खत्म ही हुई थी तो यहाँ पे बाबू बट 132 ने सुबह के टाइम सुबह से यहाँ पे गाने लगा लिए। यहाँ पे बाबू बट 132 वैसी हो गए हैं, 140 भी पहुंचने लगे हैं और पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी में जलजला आ गया हो। आवाजें सुने आप, इस साइड में ना कांप रहा है, ये कांप रहा है, स्टीयरिंग भी कांप रहा है, स्टीयरिंग ना पूरा ऐसे लहर रहा है, ये देख गुड़ कांप रहे हैं, गुड़ कांप रहे हैं, ये चेक करो जी, ये भी नाल नाल कांप रहा है। अब ये जो वाइब्रेशन है इतनी सारी, इसका हमें बहुत सारा फायदा है। सबसे पहला तो ये है हमें फ्री का मसाज मिल रहा है, उसके अलावा इस वाइब्रेशन की वजह से बाबू बट 132 को नींद नहीं आएगी। लोगों की एवरेज मोटरवे पे ऊपर जाती है क्योंकि वो गाड़ी स्कूल से चलाते हैं, यहाँ पे बाबू बट 132 की अल्टो की एवरेज 19 से छाल मार के 17.6 पे आ चुकी है, 5 पे आ गई है, वेरी नाइस। ये चेक करो जी, हैंड मसाजर फुल है भी मामला। पहुंच गए फैसलाबाद पिंडी पटिया, यहाँ पे बाबू बट 132 को नींद आ रही है, इसको यहाँ पे नींद आ रही है, हमारी यहाँ पे नींद उड़ी है क्योंकि ये जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं ये ऐसा कोई छापर है, लेकिन जाके वाजपुर जी कहना उस्ताद जी बचना बुचना कोई नहीं, अगली आंख पे सीधी साथ में आसमान पे जाके खुलनी है। उस्ताद मैंने अभी ये फैश तैयार करनी है, हफ्शी बिला को जाके पेंट करवाना है और भी बहुत सारे अल्ले तरह अल्ले काम है आपके भरा ने करने, जाके आपके भरा ने जर्मनी भी जाना है, तू क्या करना मोटे और तेरी तोरमे वाल पड़ गया, सीधा होके बैठ पहले, सबसे पहले पतला होना है। हाँ जी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है आपकी, हमारे बाबू बट साहब बीएम ले रहे हैं, उनके साथ मिलके बीएम तैयार करनी है, जो है कहना फिर हमने के लिए लेला भी लेना छोटा सा लेला भी लेना है। बाबू बट तू और कुछ ना कर, तू बस हो ना बाबू बट 132, तुसी मनो ना मनो इस गड्डी ने खुल जाना है, बाहर आ जाओ, केले चल गए जी, ये सिटी वाले के साथ केले चल गए हैं, लेकिन गाड़ी यहाँ पे 130 स्टॉप नहीं रही, 130 स्टॉप गई है, 135 पे पहुंच गई है, थोड़ा सा और कल देखते हैं 140 मार दे कि नहीं, कलमा पढ़ ले तो पीछे से, लो जी 140 पहुंचने वाली है, 139 थोड़ा सा और हेड मार दे 140 पहुंच गई है, तू छोटा सा लेला लेना कि नहीं, लेला लेना छोटा सा लेला लेना, लो जी वापस आ गए, इतना बहुत है। हमने अपने पहले कैमो तमाम पे आके ब्रेक मार ली है, बेरा पे हमने एंट्री मार ली है, यहाँ पे जाके अब अपनी कमर सीधी सुधी करते हैं क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बैठ के ना 125 वाली फीलिंग आ रही है, जिस तरह 125 पे जा रहे होते हैं कि 100 की स्पीड के ऊपर आपके पिछवाड़े के अंदर पूरी की पूरी एक जलन हो रही होती है, सेम वही फीलिंग अभी फिलहाल हम इस गाड़ी के अंदर से आ रही है, तो बाहर निकल के थोड़ा बहुत सीधा पतरा होते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर इस्लामाबाद की तरफ एक बार फिर परवाज करते हैं। ये देखें जी अल्टो चलाने के बाद आप ऐसे चलते हैं, यहाँ पे अल्टो में सफर करने के बाद बाबू बट 132 मसाज करवा रहे हैं सजी साइड पे मोड़ा जी हैं, तो हूँ मैं खुद भी मसाज करवाने लगा जी, मसाज टाइम चल रहा है, ये मशीन मेरी कमर में मुक्के मार रही है, ओ मेरी बाहर ना पली है, ना मेरी बाहर ना पली है, बाहर नहीं आ रही, कितने कड़ाके से रुके सारे, ये मोड़ा जी काम देख रहे हैं, जैसे कैमरा ऑन किया केक साइड पे फेंक दिया, खा भी अंग्रेज के बच्चों की तरह रहा था, फोर्क और नाइफ के साथ पूरा हाथ में जिन कटा आकर आ ओके बीच
यहाँ पे आपके भरा की नाकी बिल्कुल सीध पे वादू सारी पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, और यहाँ पे हमने साबुदाने के पायलट को चेंज कर दिया है। बाबू बट 132 पीछे लम्बे पैकेज चिल कर रहे हैं, आपका भरा यहाँ पे माउंटेन ड्यू डर के आगे जीता पी रहा है, और मोटा जी यहाँ पे इस साबुदाने को उड़ा रहे हैं। मोटा जी आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है यार? एक मिनी कैब है। बाबू बट 132 आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है यार? एक फॉर्च्यूनर है, एक डल्सोल है, एक कल्टस है, एक आल्टो है, एक डब्बा भी है, और इंशाल्लाह एक और लेने जा रहे हैं। आपके भरा के पास सब्बा जी कैचर भी है, EF हैच है, हबशी ब्लैक है। अब देख लें जी, इतनी सारी गाड़ियां सारों के पास, कुछ SUV है, कुछ सेडान है, कोई मॉडिफाइड है, लेकिन सारी गाड़ियां छोड़ के हम इस साबुनदानी में जा रहे हैं। ये बात बताने का मकसद क्या है कि आप पाकिस्तानी वहां को जो मर्जी चीज दे दें, घूम फिर के उन्होंने गाड़ी वही लेनी है जिसकी एवरेज अच्छी हो। # जजला एंड एवरेज लाइफस्टाइल। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दी ग्रेस ऑफ अल अलमाइटी, वी हैव सक्सेसफुली रीच्ड इस्लामाबाद। पहुंच चुके हैं पिंकी के पास, पिंकी मोगेली। हमारे साथ यहाँ पे हमारे फ्रेंड अब्दुल्ला चिश्ती एयर सस्पेंशन के सौदागर मौजूद हैं, और ये ऐसा बंदा है आप इसको जब भी देखेंगे ये नींद में नजर आएगा, और इसकी नींद इतनी कोई गंदी किस्म की है, ये एक बार सो जाए तो दोबारा उठता नहीं। आज हमारी लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो ये उठ गया। उस्ताद जी आप अपनी पिंकी मोगे वाली BMW के बारे में हमें कुछ जानकारियाँ दें। यार ये 92 मॉडल है और पिंक पेंट हुई भी, रैप नहीं हुई भी पेंट हुई भी है। बीम्स है इसके अंदर और BR लगा है और स्टॉक बाकी है, इतना कुछ खास अभी। पाइपिंग हुई भी है, पाइपिंग हुई भी 3 इंच की। बिस्मिल्लाह करके जरा गाड़ी को स्टार्ट करें, गाड़ी की आवाज़ चेक कराएं जरा। कृपया ओके है, ये लेके जाएंगे। बाबू बट 132 और मोटा जी यहाँ पे गाड़ी का टेस्ट रन लेने जा रहे हैं। गाड़ी चराज लोग चेक करते हैं किस तरह जी है कि नहीं। जैसे कोई बंदों वाली पाइपिंग नहीं कराई जाती थी नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं गाड़ी आपको नजर नहीं आ रही लेकिन आवाज आ रही है, वो आ गई नजर पिंकी मोगेली, दूर से बड़ी सोहनी लग रही है वैसे। तमाम शिंदे यहाँ पे सीधी छाल मार के आ चुके हैं अब्दुल्ला चिश्ती की 2GR माटो ग्रैंडे के बीच, और आते साथ ही यहाँ पे फुल टाइम की सी लाइफ स्टाइल हो गया। रोड चेक करो कितनी टूटी है थे। अब मेरी टोपी उड़ गई। Very nice. गाड़ी ऐसे किसी मारती जैसे सुहावा काम हो। मुझे इस बंदे पे बहुत फखर महसूस होता है जब भी कोई अच्छी गाड़ी चलाता है। पहले वखरे जमीन के साथ रेडियां लगा रहा था हर चीज की। ऊपर से आप लोग बता चलो तो शिंदे का जल्द निकाह होने वाला भाई, मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा। चलो चिश्ती साहब घूमी घूमी हो जाए यहाँ पे। माशाल्लाह से वेरी नाइस।
ये मोटा जी यहाँ पे टिकटॉक बनाने लगे हैं, ये देखें चक्कर के लिए ऐसे तेरे पर सैमटी सूट करती है। वापस आ जा, आजा आजा बाबू बट 132। बताए फिर आपने क्या सोचा है? यार सोचना क्या, कंफ्यूज हो गए हैं। क्यों? BMW देखे आए थे माशाल्लाह भाई के पास, एक 2GRP खड़ी हुई है, तो अब अगर हम BMW में 3 UG स्वैप करवा के सारा उसको अपने मतलब का तैयार ये करवाते हैं, तो उसका बजट ऑलमोस्ट वही पहुंच जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा जितना कि 2GR में है। तो अब एक तो हम इसमें ये कंफ्यूज हो गए हैं, उसको ले के तैयार ये करवाए या तैयार शुदा कर ही ले लें। मोड़ा जी को यहाँ पे गश पा रहे हैं, ये देखो 2 बजे चला गया। ओ क्या है हम इस्लामाबाद सैर सपाटे करते हुए पहुंच चुके हैं अपने फ्रेंड निकाश भाई के पास, और यहाँ पे इन्होंने हमें तपती तपती धूप के अंदर लाल रंग का थुक मलंगा पिलाया, और थुक मलंगा पीने के बाद हम उल्टा यहाँ पे चौकस हो गए हैं। आप लोगों को यहाँ पे थुक मलंगा या तुक मलंगा? थुक मलंगा नहीं था, तुक मलंगा, तुक मलंगा, थुक नहीं है, तुक मलंगा पिलाया, और हम यहाँ पे फुल टाइम चौकस हो गए हैं। हमारी खब्बी साइड पे मौजूद है निकाश भाई की 21-2000 हैच, और हमारी सजी साइड पे मौजूद है निकाश भाई की G16 मरगला फॉर यू। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निकाश भाई की 21-2000 हैच से। सामने यहाँ पे आपको RS वाली हेडलाइट्स नजर आती हैं, नीचे आपको ओरिजिनल फॉगलाइट्स नजर आती हैं, उसके नीचे ABS प्लास्टिक के अंदर RS लिप नजर आती है, उसके बाद इसके रिम टायर के सेटअप के ऊपर आ जाए तो इसको 16 इंच के अंदर स्मूथ स्पोर्ट्स रिम लगे हुए हैं, और ताजी अच्छा करो बढ़िया ब्रेक फॉर यू, स्लॉटेड रोटर्स और साथ में VTTR रेसिंग के ब्रेक कैलिपर्स फॉर यू। टायर के प्रोफाइल के ऊपर आए तो यहाँ पे इसको ब्रिजस्टोन के 195/50 16 की प्रोफाइल लगी हुई है, उसके अलावा जिस तरह हमारी हफ्शी ब्लैक के अंदर फेंडर ब्रेस बार्स लगे हुए थे उसी तरह ही निकाश भाई की 21-2000 हैच को भी लगे हुए हैं। आप लोगों को उसका दिदा कराऊं तो उस्ताद जी बड़ा प्रेशन करें, ये अंदर आप झांकी मारेंगे, ये चेक करो जी यहाँ पे आपको नाडो ग्रे रंग के अंदर इसके फेंडर ब्रेस बार्स नजर आते हैं, उसके अलावा निकाश भाई ने इसके अंदर ट्रैक्शन बार्स भी लगाए हुए हैं, ये तुम चेक कर सकते हो फुल टाइम लाल है माल रंग विच ट्रैक्शन बार्स फॉर यू। आप लोग गाड़ी की पेंट क्वालिटी चेक कर सकते हैं, गाड़ी को देख के ऐसे लगता है जैसे गाड़ी अभी फ्रेश शोरूम से बाहर आई है, और इन्होंने अपनी गाड़ी को पेंट 7 ब्रदर्स से करवाया। गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर आए तो यहाँ पे आपको लाल है माल रंग विच काफी सारी चीजें मुझे नजर आती है, रिकारो SR3 की बकेट सीट इसमें लगी हुई है, पांव रखने के लिए बहुत सारी मोरियों वाली की प्लेट भी लगी हुई है, K-Tune का शिफ्टर लगा हुआ है, मोमो का जेन्युइन 3-स्पोक स्टीयरिंग नजर आता है, ग्रीडी की हाई प्रेशर गेज है, वहाँ पे आपका वाइड बैंड आया था AEM का जो आपको एयर फ्यूल रेशियो बताता है। गाड़ी के इंजन के ऊपर आ जाए तो उस्ताद ये टूटी फ्रूटी इंजन है, टूटी फ्रूट इंजन बोले तो जी, इसके अंदर K-Tune टाइप आर का हेड है और नीचे K-24 का ब्लॉक है। अब लोग नीचे K-24 का ब्लॉक क्यों लगाते हैं? ताकि इंजन की जो टॉर्क है वो इंक्रीज हो, उसके साथ साथ इसके अंदर टाइप आर वाला ऑयल पंप है, तो टाइप आर वाला गियर लगा हुआ है ASP3 जो कि 6-स्पीड फॉरवर्ड LSD गियर होता है, टंग 2 का इंटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ है, साथ में 72 mm वाली थ्रॉटल बॉडी लगी हुई है। आपको पूरे इंजन बे के अंदर कहीं भी एक्स्ट्रा मोरियां शोरियां नजर नहीं आती, उसके साथ साथ इस इंजन बे के अंदर सारी की सारी जो वायरिंग है वो टकटक की गई है फ्रॉम टायर बाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट, वायरिंग का नामन शान नजर नहीं आ रहा। टंग 2 का टटबा लगा हुआ है, डैशबोर्ड के माउंट्स लगे हुए हैं, एरोमोटिव का इसको FPR लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट AEM का फ्यूल पंप भी लगा हुआ है, साथ में टुमाई का आफ्टर मार्केट रेडिएटर। गाड़ी के ट्रंक सेटअप के ऊपर आ जाए, बीच में आपको 12 वाट का JBL का बुफर नजर आता है, और साथ में आपको एक काला शकाकू रंग के बीच एम्प नजर आता है, उसके बाद गाड़ी के नीचे अगर हम झांकी मारे तो यहाँ पे आपको सारा का सारा बीक्स का आफ्टर मार्केट सफ्रेम नजर आता है, और साथ में रेक्टिव का आफ्टर मार्केट फ्री फ्लो एग्जॉस्ट नजर आता है। निकाश भाई से थुक मलंगा पीने के बाद यहाँ पे हम सीधा आए हैं गौर भाई के पास हैरियन जी पे, और जहाँ से हमने इनसे क्लब सैंडविच खाया उस्ताद जी, आपको खाना माशाल्लाह से बहुत ही टाइट किस्म का था, मुझे बहुत पसंद आया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ दो छोटे छोटे बछिंदे मौजूद हैं, उस्ताद जी बताओ क्या चला आपका? पहले ये बताओ मुझे ढूंढा कैसे है? किस बंदे की लाइफ है? मोड़ा जी किधर गायब हो गया? मोड़ा गायब हो गया। कपड़ा इस्लामाबाद आया था तो मैं क्या क्यों ना काले साहब के लिए इस्लामाबाद से कुछ चीजें वीजें लेके जाई जाए। कपड़ा FJ कस्टम्स के ऊपर आया हुआ, और यहाँ पे मैंने फाद भाई से काले साहब के लिए दो चीजें चुकी हैं। आप चेक करते हैं इनका यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है, काफी सारी इनकी एक्सेसरीज है, रैप वगैरह का काम भी है, फ्यूजर वगैरह हो गए, फ्रंट स्प्लिटर वगैरह हो गए, ये सारी डिटेलिंग प्रोडक्ट्स हो गई, यहाँ पे WD-40 वगैरह हो गया, कूलेंट्स वगैरह, उसके अलावा ये देखें जी कार्बन फाइबर फैब्रिक वेट, और यहाँ पे हमें फाद भाई ने दो दो चीजें गिफ्ट की हैं, ये तुम चेक कर सकते हो, ये नेरे में उजाला करती है, और ये हमारे कपलर है। सुना क्या चला आपका? सर जी मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, अगर आपको भी किसी किस्म के सैसी वगैरह चाहिए हो तो आप फाद भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनकी जो भी टेस्ट वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। मोटा जी के काम चेक करें, ओवर स्पीडिंग पे चलान करवा के सारा को सुनाया पैसे भेज रहे जैसे कश्मीर फतह करके आया, और बदतमीज इंसान मोटा जी एक बार फिर से इंसान अप हो गए हैं। बाबू बट 132 यहाँ पे फुल वैशी हो गए हैं, देख जी बड़ा कोई K-Tune का शिफ्टर लाया ना है, अजगार है।
क्या है? ओ माफी दे दो, जलजला आ गया फिर से गाड़ी के अंदर। वो देखें खिड़की की आवाजें आ रही हैं। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे अभी? जब 140 पहुंच जाएगा मुझे बता देना, फोन कर देना, मुझे मिस कॉल मार देना। पहुंचे? नहीं। ओ नाइस, आगे मिलेटर नजर आ रही हैं। इंशाल्लाह दूसरा चलान भी होगा। जैसे इनके कहते हैं ना, मेरे ख्याल में आज हैट्रिक होगी।